भाजपा की आंतरिक कलह। भाजपा लगातार अपनी नफरती टूलकिट पर काम कर रही होती है और भाजपा की सिर्फ एक मंशा होती है कि किसी भी तरह से देश में सांप्रदायिकता की आग को भड़का कर रखा जा सके। बाकी नफरत घोलने का काम भाजपाई अनुभक्त कर ही देते हैं। भाजपाइयों ने देश का माहौल बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और लगातार उसी काम पर भाजपाइयों का पूरा गैंग लगा रहता है। भाजपा का मुख्य काम है कि रत्ती भर भी काम ना करना और जनता को परेशान करने की रणनीति पर काम करते रहना, और इसके लिए भाजपाई करोड़ों का खर्चा गोदी मीडिया का मुंह बंद करने और अनभक्तों का घर भरने में कर देती है। भाजपा विपक्ष में हजार कमियां निकालती है, लेकिन भाजपा के भीतर खुद इतनी कमियां हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और इन्हीं कमियों को गोदी मीडिया छिपाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन वो क्या है ना कि सच सामने आ ही जाता है, चाहे उसे कितना भी छिपाने की कोशिश कर ली जाए। भाजपा की कलह की कहानी बहुत पुरानी है और इस कहानी में अच्छे अच्छे नप गए या भाजपा की अंदरूनी राजनीति के द्वारा नाप दिए गए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लाल कृष्ण आडवाणी ही हैं, जिनको मोदी जी ने सत्ता में आते ही हाशिए पर धकेल दिया। भाजपा नेता और पूर्व भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने एक कार्यक्रम में भाजपा की अंदरूनी राजनीति की सारी हकीकत दुनिया के सामने ले आई। पंकजा मुंडे ने अपने बयान में कहा है कि मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि जब मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे जिंदा थे, तब उन्होंने छोटे छोटे तबकों पर काम करने वाले लोगों को इकट्ठा किया, तभी तो भाजपा महाराष्ट्र में सरकार का मुंह देख पाई। पंकजा मुंडे के इस बयान से समझा जा सकता है कि आखिर भाजपा में भाजपा नेताओं की क्या हालत है और दो लोगों के तानाशाह व्यवहार को बढ़ावा देकर कैसे बाकी लोगों के साथ भाजपा में अन्याय किया जा रहा है। भाजपा पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र ले आए, उसके बाद मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि भाजपा और लोकतंत्र में जमीन आसमान का अंतर है।